हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। एक बार कल्पना किचन मैजिक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर पर हलवाई स्टाइल में ब्रेड पकोड़े। सबसे पहले हम अपने पकोड़ों के लिए बैटर तैयार करेंगे। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें एक बाउल बेसन ऐड कर, एक टेबल स्पून अजवाइन, एक टेबल स्पून नमक। नमक को ऐड करने के बाद अच्छे से चलाएँगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपना बैटर बनाएँगे। हम बेसन में सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि हमें जो बेसन की कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली रखनी है। हमें बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की चाहिए जैसा कि दिखाई दे रहा है। बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब हम बैटर को 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट करता है तब तक हम अपने ब्रेड पकौड़ों के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। अब हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए हम इसमें 1 बड़ी चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जैसे ही जीरे से चटकने की आवाज़ आने लगे 2 चुटकी हींग और हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च के भुनते ही हम इसमें 4 कद्दूकस किए आलू ऐड करेंगे। आलू को ऐड करने के बाद अच्छे से मिलाएंगे और आलू को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें अपने बाकी के मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार। मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं को भून लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वे आलू में अच्छे से मिल जाएं। आलू और मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ती मिलाएंगे। धनिया पत्ती को आलूओं में मिलने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अपनी फिलिंग को ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। और हमारी ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए आलू की मसाला फिलिंग बनकर तैयार है। अब हम अपने बैटर की तरफ चलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा बैटर भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। ब्रेड पकोड़े तलने के लिए हमें बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की चाहिए। अब हम ब्रेड पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड का एक पीस उठाएंगे और उस पर फिलिंग रखकर चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। फिलिंग को चारों तरफ अच्छे से फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड चिपका देंगे। जैसे ही ब्रेड के चारों कोने अच्छे से चिपक जाएं, तब हम एक चाकू की सहायता से इसे तिकोना काट लेंगे। इस प्रकार हम अपने सभी ब्रेड पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। जब तक हमने ब्रेड पकोड़े तैयार किए तब तक हमने तेल को भी गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम ब्रेड का एक पीस उठाएंगे और बेसन में डिप करेंगे। बेसन में अच्छे से डिप करने के बाद हम हाथों से इस तरीके से पकड़ेंगे और कढ़ाई में छोड़ देंगे। इसी तरीके से अब हम अपना दूसरा पीस उठाएंगे और डिप करेंगे और कढ़ाई में छोड़ देंगे। मैं तो कढ़ाई में एक साथ 2 ही पकोड़े तल रही हूँ, लेकिन अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो आप एक साथ ज़्यादा पकोड़े भी तल सकते हैं। ब्रेड पकोड़े तलने के लिए हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और हमारे तेल पर जो ये बेसन की छोटी छोटी बूंदी आ जाती हैं इन्हें भी निकाल देंगे। जब हमारे ब्रेड पकोड़े एक साइड से तल जाएँ तब हम इन्हें पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। ब्रेड पकौड़ों को तलने में 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से अपने सभी पकौड़े तल लेंगे। देखने में लग रहे हैं ना एकदम नरम व सॉफ्ट हलवाई स्टाइल ब्रेड पकौड़े। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे बरसात के मौसम में एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।